दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे बहुत ही बेहतरीन कार्ड का खेल, और आपसे अनुरोध है कि इस कार्ड का ट्रिक सीख करके आप इससे जुआ मत खेलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर खेला करते हैं। कार्ड खेलने वाले को केवल बहाना चाहिए, दीपावली और गणेश पूजा के भी शुभ अवसर पर लोग खेला करते हैं। वही बात है कि खेलने वाले को बस खेलने का बहाना चाहिए, आप ऐसे शुभ अवसर पर इसे किसी भी तरह का जुआ मत खेलिएगा। तो दोस्तों चलिए आज आपको दिखाते हैं एक बहुत ही बेहतरीन कार्ड और उसका क्या रहस्य है। तो चलिए आप ही मिक्स कर दीजिए। मेरे ऊपर डाउट आपको लग रहा है तो आप खुद से मिक्स कर लीजिए बढ़िया से। बिल्कुल ठीक है। चलिए अब दीजिए हमें। हाँ। अब चाहे तो आप यहाँ से कोई निकाल सकते हैं, कोई भी कोई भी कार्ड यहाँ से है, कोई भी कार्ड आप खींच सकते हैं, कोई भी कार्ड आप निकाल सकते हैं। आपको चिन्हना नहीं है। हाँ आप निकालिए ना अपने मन से, आप कोई भी कार्ड आप निकालिए। चलिए अब ये कौन सा कार्ड है आपको पता है? ना नहीं पता है। अब देख लीजिए, देख लीजिए। अब यहाँ पे रखिए और उस कार्ड को आप अपने दिमाग में चलाते रहिए कि कौन सा कार्ड है ये, किस नंबर का है, हमें मत बताइएगा, लेकिन आप अपना दिमाग में सेट कर लीजिए। यहाँ पर जो आप कार्ड रखे हैं इससे पहले भी आपको बताए हैं कि कौन सा कार्ड है, और अभी हमको बिल्कुल पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यह कौन सा कार्ड है यह बताने का। ओके तो तू हेरी फेरी ना करता है। लाल पान था ना? हाँ। अच्छा ओ, अच्छा अच्छा ये लाल पान के गुलाम था ना? ओ, था कि नहीं? हाँ, लेकिन कैसा खेल और हो गया है? मतलब इसका कुछ आपको ट्रिक समझ में आया है? हाँ? ट्रिक इसका कुछ समझ में आया है? हाँ, हमरा तो यह लग रहा है। हाँ? कि इधर से कनखिया दिया होगा। इधर से बता दिया होगा। चोरवा इधर खड़ा। अच्छा और कोई, और कोई बात? हाँ और कोई बात तो नहीं। तो दोस्तों देखिए कितना खतरनाक कार्ड है कि हमारे गांव के डॉक्टर साहब है, इनको दिखाए हैं और ये बोल रहा है कि हमको वो बता दिए है, जबकि हम तो खुद सब कुछ जानते हैं, हम तो जानकार आदमी है। दोस्तों बहुत ही पावरफुल ये ट्रिक है और इसे हम आपसे अनुरोध करेंगे कि केवल मैजिक दिखाइएगा, इसे जुआ मत खेलिएगा। दोस्तों अभी आपको दिखाने जा रहे हैं मिस्टर मैक्स मार्केट ब्रिज साइज प्लेइंग कार्ड, जो कि टीएमजी कंपनी की तरफ से आता है, और इसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है सोल्ड फॉर मैजिकल पर्पस ओनली, यानी कि आप इसे केवल मैजिक पर्पस से ही सेल कर सकते हैं। दोस्तों इस कार्ड की खासियत यह है कि इस कार्ड के पीछे से ही देख करके मालूम चल जाता है कि कौन सा कार्ड किस कलर का है और कौन से नंबर का है, और बहुत सारे लोग इसे जुआ के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि सोल्ड फॉर मैजिकल पर्पस ओनली, क्योंकि गैम्बलिंग को हम प्रमोट नहीं कर सकते हैं और ना ही जो ये कंपनी है टीएमजी यह प्रमोट कर सकता है, तो इसलिए इसके ऊपर क्लियरली लिखा गया है कि केवल मैजिक पर्पस से ही इसे बेचना है। और खरीदने वाले आप ऐसा मत सोचिए कि इसे हम लेकर के जादू नहीं करके हम इसे जुआ खेलेंगे, तो यह गलत बात है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, यह करना अपराध है। तो यहाँ पर इसके अंदर में जो कार्ड है यह एक इंस्ट्रक्शन कार्ड के साथ आता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर मैक्स प्लेइंग कार्ड और इंस्ट्रक्शन फॉर मिस्टर मैक्स इंस्ट्रक्शन कार्ड है, और इसके अंदर दो जोकर रहता है। तो चलिए इसे हम साइड में रखते हैं और इस कार्ड की खासियत के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, और इसे हम आपको पहले पहचान कर दिखाते हैं कि कौन सा कार्ड किस कलर का है, कौन से नंबर का है, और फिर हम आपको बता देते हैं कि इसे कैसे पहचाना जाता है। देखिए इंस्ट्रक्शन तो इसमें दिया हुआ रहता है, लेकिन यह इंस्ट्रक्शन देखने के बाद ही बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। तो चलिए आपको हम इसका जो ट्रिक है वह भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले इसे हम आपको दिखाते हैं, इसे पहले मिक्स कर दे रहे हैं। यहाँ पे सभी अभी रेड अलग ब्लैक अलग इस तरह से किया हुआ है, और इसे हम जरा मिक्स कर देते हैं यहाँ से इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर दे रहे हैं, और बढ़िया से यहाँ मिक्स हो गया है।
इसके बाद भी हम इसे यहाँ पे कट कर देते हैं और फिर हम यहाँ से निकालेंगे कार्ड और देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ देखिए, एक कार्ड हम यहाँ पे डाले, एक कार्ड यहाँ पे डाले, तो यहाँ पे क्लियरली हम देख करके बता सकते हैं कि यह दुक्की है। और कौन से रंग का दुक्की है? तो यह लाल पान की दुक्की है। और दोस्तों यह कार्ड कौन सी है आप बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन हम बता सकते हैं यह टिक्की है। तो इस तरह से यह जीत जाएगा और लाल पान की टिक्की है। तो यहाँ अगर इसे गैम्बलिंग के लिए यूज करेगा तो जो यह कार्ड अपने पास रखेगा वह तो जीत जाएगा, सामने वाला हार जाएगा। तो इसीलिए इसे जुआ नहीं खेलना है। दोस्तों इस कार्ड को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद भी बिना कोई सेटिंग किए ही पता चल जाता है कि कौन सा कार्ड है। इसे लोग मैजिक पर्पस से इस्तेमाल करते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड को फैला दिया मैजिशियन और हमारे सामने है गौरव, आप कहीं भी एक कार्ड जरा बाहर कीजिएगा यहाँ से। ओके चलिए, इस कार्ड को आप बाहर किए हैं। ये कौन सा कार्ड है आपको पता है? नहीं पता है। यह दुक्की है, ईंट का दुक्की है। देखिए ईंट का दुक्की है। तो दोस्तों इसका क्या रहस्य है कि इसके पीछे से ही पता चल जाता है। बहुत ही कमाल का यह कार्ड है और हम लोग मैजिक इससे दिखाते हैं तो लोग सोच में पड़ जाता है कि जादूगर कैसे पहचान गया है कि कौन सा कार्ड है और किस नंबर का है। हालांकि हम आज तक जुआ नहीं खेले हैं तो फिर भी लोग सोच में पड़ जाते हैं। और हम ताश भी कभी नहीं खेले हैं लेकिन जादू में सब चलता है। अगर आप ताश नहीं खेले हैं फिर भी आपको ताश का खेल दिखाना है, सिगरेट कभी नहीं स्मोक किए फिर भी आपको सिगरेट का खेल दिखाना है। तो यहाँ पे बहुत सारे चीज है जो रियल में नहीं करता है लेकिन करके दिखाना पड़ता है। तो क्या उसका रहस्य है, चलिए अब वह समझेंगे। अगर आपको इस तरह का ताश चाहिए और इस तरह का कोई भी मैजिक प्रोडक्ट चाहिए तो हमारे शॉप का नंबर नीचे 16 94 30 40, यहाँ पे कॉल करके आप किसी भी तरह के जादू का सामान मंगवा सकते हैं और इस तरह का मैजिक कार्ड भी आप मंगवा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इससे आप भोले भाले लोगों के सामने बिल्कुल भी मत खेलिएगा। दोस्तों ये देखिए, ये रहा इसका पैकिंग। और पैकिंग कुछ इस तरह से किया गया है कि ऊपर वाला जो इसमें वार्निंग लिखा गया है इसे हटा भी सकता है लोग। और इसे खींच देने के बाद यहाँ देखिए इसका इंस्ट्रक्शन गया, यहाँ पे जो भी वार्निंग वगैरह लिखा हुआ है ये गया और कुछ इस तरह से यह दिखता है। तो इसे जो भी कहिए आप, डबल कवर लगा हुआ है तो यहाँ पर अब कुछ भी नहीं वैसा लिखा हुआ है जैसा उसके ऊपर लिखा गया था। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी पेस्ट रहना चाहिए क्योंकि अगर यह लेकर के जाएगा लोगों के सामने तो लोगों को तो समझ में नहीं आएगा कि भैया ये कौन सी कार्ड है। तो चलिए अब बताते हैं आपको यहाँ पे इसका जो इंस्ट्रक्शन है। इस जोकर को हम साइड में रख देते हैं और इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर रखते हैं हम सामने में यहाँ पर। अब देखिए इंस्ट्रक्शन में क्लियरली सब कुछ लिखा हुआ है फिर भी समझने में थोड़ी परेशानी होती है। तो उसे कैसे समझेंगे आप? सबसे पहले आपको क्या करना है कि कार्ड के अंदर जो भी इस पूरे डेक के अंदर इक्का दुक्की टिक्की चौका यानी बादशाह तक जो भी कार्ड है उसको सबसे पहले बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमने सभी कार्ड को सजा लिया है। अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो इक्का है इसे कैसे पहचानते हैं। तो इक्का को पहचानने के लिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये गेहूं की बाल की तरह है, तो इसी बाल से हम पहचानेंगे कि कौन सा कार्ड किस नंबर का है। तो सबसे पहले आप ऊपर में देख लीजिए, इस तरह का लाइन बना हुआ है पूरे में, यहाँ सभी में जो पत्ता होता है ना पेड़ के पत्ता, उसी पत्ते के डिजाइन का बना हुआ है। जिस तरह से पत्ते में बीच में एक लकड़ी रहता है, लकड़ी टाइप का ही, तो उसी तरह का यहाँ से निकला हुआ है। अब जिस पत्ते का जो लकड़ी है वो टूटा हुआ मिलेगा उसी नंबर का होगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर की लकड़ी आधे पर से टूटी हुई है, आप गौर कीजिएगा। अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है तो अब देखिए इसका फर्स्ट नंबर देखिए और इस वाले का फर्स्ट नंबर। अगर आप उस उधर से देख रहे हैं तो इसका फर्स्ट नंबर देखिए और इसका फर्स्ट नंबर देखिए। इसमें आप गौर से देखेंगे तो इसका आधा पर से ही खत्म है और इसका जबकि पूरा यहाँ तक टच कर रहा है। तो अब इसमें यह संकेत आ रहा है कि यह इक्का है।
ओके। अब इसके बाद इसके बाद जो नीचे आएंगे जैसे आप उधर से देख रहे हैं, तो इसे ऐसे हम पकड़े तब या ऐसे पकड़े तब फिर भी हमें पता चल जाएगा। इसलिए अगर आप उधर से देख रहे हैं तो इसके बाद वाली अब लाइन आपको छोटी लग रही होगी। यहाँ पे देखिए, इसमें यह छोटी थी और इसके बाद वाली बड़ी, लेकिन इसमें इसके बाद बड़ी है। तो इक्का के बाद यह दुक्की है, दुक्की के बाद यह तिक्की है, तिक्की के बाद चौका है, चौका के बाद पंजा है, पंजा के बाद छक्का है, छक्का के बाद सत्ता है। तो इस तरह से जो भी यहाँ पे पेड़ के पत्ता में अधूरा रहेगा, पूरा नहीं रहेगा, तो उसी नंबर का कार्ड होगा। यह कार्ड इक्का है, दुक्की है, तिक्की है, इस तरह से हमने आपको बता दिया। तो यह वाली दुक्की है, उसी तरह से इसे आप देखिए तो यह तिक्की है, और इसे देखिए तो ये चौका है। अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि इतना गिनती कौन करेगा भैया, तो ऐसी बात नहीं, आपको गिनती विनती कुछ नहीं करना है। ये जब आप खेल दिखाने के लिए प्रैक्टिस कीजिएगा तो एक घंटे में आपका प्रैक्टिस करने के बाद इतना पकड़ बन जाएगा कि आप देखने के बाद आपको पता चल जाए कि कौन सा कार्ड है, किस नंबर का कार्ड है। ये आपको प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम उतना खेलते नहीं इस कार्ड से, फिर भी मैजिक दिखाने के लिए थोड़ा बहुत इसे देख लिए हुए हैं और प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो हमें समझ में आ जाता है और इससे आसानी से हम खेल दिखा देते हैं लोगों को। तो जब हम खेल दिखा देते हैं तो आप क्यों नहीं दिखा सकते हैं, बिल्कुल आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यह चौका है, उसी तरह से इसमें देख लीजिए तो यह पंजा है, छक्का है, सत्ता है। इस तरह से आप सत्ता तक, यहाँ सत्ता तक तो पहचान लेंगे। अब देखिए अट्ठा यहाँ से घूमते हुए आ जाएगा, जब सत्ता है तो यह अट्ठा है, यहाँ सत्ता है तो यह अट्ठा है, फिर अट्ठा के बाद यह नहला है, यहाँ पे अगला जब खाली है तो यह नहला है, फिर इसके ऊपर खाली है तो यह दहला है, फिर इसके ऊपर खाली है तो यह गुलाम है, और इसके ऊपर खाली है तो बेगम है, और इसके ऊपर खाली है तो बादशाह है। तो कुछ इस तरह से आप इसका नंबर पहचान सकते हैं, और जब आपके हाथ में यह कार्ड जाएगा तब आप इस वीडियो को देख करके जब समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। तो अब हम आपको इसका रंग कैसे पहचानते हैं यह बताते हैं। देखिए यहाँ पे अब रंग पहचानना कैसे है उसे हम लोग समझेंगे। यहाँ रंग पहचानने के लिए इस वाले फूल को देखना है। यहाँ पे पत्ता देख रहे थे हम लोग, लेकिन यहाँ जब फूल देखना है, इस फूल में केवल ऊपर नीचे दाएं बाएं इतना में ही कलर छुपा हुआ है, क्योंकि चार कलर ही होते हैं, चीरी, लालपान, ईंट और कालापान। तो यहाँ पर देखिए इस साइड में जो आप देख रहे हैं फूल का जो क्या ये निकला हुआ कली, फूल का जो कली है ये खाली खाली है, लेकिन यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ भी भरा हुआ है, यहाँ भी भरा हुआ है। तो बस इतना ही आपको ध्यान देना है। इस साइड वाले पे ध्यान देंगे, इस साइड वाले पे ध्यान देंगे, इस साइड वाले इसमें है लेकिन इसमें से गायब है। आप इस लकीर को ध्यान से देखिए, यहाँ जो लकीर निकला हुआ है इसमें, और इसमें भी निकला हुआ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन नीचे में गायब है, नीचे पूरा खाली है। अब इसमें आप देख लीजिए, ऊपर है खाली और नीचे यहाँ ये सभी जो है भरा हुआ है। तो इसी से हम रंग पहचानेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे नीचे रहेगा, यहाँ पे जो सबसे ऊपर है, इस तरह से समझिए आप कि सबसे ऊपर है वह चिड़ी है, चिड़िया सबसे ऊपर बैठती है, और यहाँ जो सबसे नीचे है वह लाल पान है, सबसे नीचे है वह लाल पान है। और इसे देखिए, इसे ऐसे पकड़े या ऐसे पकड़े आपको पहले ही बता दिए हैं, आपको देखना केवल ए वाली है। यहाँ पे ऐसे घुमाए, ए वाला आपको देखना है। अगर उस तरफ से अगर इसे पकड़ेगा गौरव, पकड़िए तो गौरव, तो अगर इस तरफ से पकड़ेगा तो कौन सा ध्यान देना है गौरव? आगे वाली कॉर्नर, आगे वाली कॉर्नर कौन सा? ए वाली, हाँ। है ना, और ऐसे पकड़ेंगे तो ए वाली। इसे यहाँ ऐसे लाएंगे तो इधर हो जाती है और ये ऊपर चली जाती है, और ऐसे करेंगे तो ये ऊपर चली जाती है। ओके, अब यहाँ पे इस साइड वाली जो है, बाएं साइड वाली, यह कौन सी कार्ड है? यह है काला पान, और दाएं साइड वाली ईट है। तो इस तरह से रंग पहचान सकते हैं और नंबर भी पहचान सकते हैं।